37,000 परिवारों की एक लिस्ट ये तैयार करके हमने डिपार्टमेंट्स को दे दी है। वो लिस्ट इनको भी भेजेंगे ताकि कौन व्यक्ति किस योजना का लाभ उठा करके अपनी आय को बढ़ा सकता है। हमने घोषित किया है कि ऐसे 1,00,000 परिवार उनकी न्यूनतम आय जिनकी 1,00,000 से कम है उनकी 1,00,000 आय सुनिश्चित की जाए, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। तो कई डिपार्टमेंट्स के कई योजनाएँ वो सब हैं, इनको सब दी गई हैं। फील्ड के अंदर और भी कुछ चीज़ों का सर्वे और जिसको कहना चाहिए उसका रिव्यू करने की दृष्टि से भी हम चीज़ें करते हैं। जैसे परिवार समृद्धि, परिवार की जो इनकम की जो हमारी जो चल रही है वेरिफिकेशन, इनकम वेरिफिकेशन के काम में भी पार्टी के लोगों को बताया गया कि वो भी वहाँ फील्ड में जो टोलियाँ हैं उनके साथ मिल करके उसके अंदर सहयोग करें। और व्यायामशालाएँ, लगभग 700 व्यायामशालाएँ ऐसी या तो पूरी हो चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं, ऐसे 700 व्यायामशालाओं को भी वो लोग जो है वो काम करेंगे। एक प्रोजेक्ट माइक्रो इरीगेशन का है, उस माइक्रो इरीगेशन के प्रोजेक्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले, क्योंकि पानी जितना है उसका प्रबंधन ठीक हो तभी हम जा करके अपना जो हमारा टारगेट है कि हर खेत को पानी ये पहुँचाने का हमारा टारगेट है। प्रदेश का एक भी एकड़ ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके अंदर पानी नहीं पहुँचा सके। तो जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है वहाँ माइक्रो इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई होगी तो सबको हम पानी जो है उपलब्ध करा पाएंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। फीडबैक क्या मिला सर मुख्यमंत्री जी, क्या विधायकों ने कहा आपकी तरफ से, क्या अभी तक की जो योजनाएं हैं बहुत सी योजनाएं जो हैं बहुत अच्छी योजनाएं नीचे चल रही हैं। जैसे स्वामित्व के बारे में, जैसे बीच में आया विषय कि लाल डोरा समाप्ति के बाद जिनकी हमने रजिस्ट्रियाँ करके दी हैं सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं और एक प्रकार से पार्टी का सरकार का वो धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमने 20 वर्ष से ज़्यादा जिनकी मलकियत शहरी प्रॉपर्टीज़ की वो जो योजना बनाई है इसके लिए भी वहाँ लोगों में एक अच्छा जो है फीडबैक है, उसमें भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, उसमें कराएंगे। जो कॉलोनीज अभी अनऑथराइज थी उनको रेगुलर करने की जो हमारी स्कीम है उस पर भी लोगों की राय वो हमें मिली है कि बहुत फीडबैक अच्छा है। जो समस्याएं हैं उनको सबको समाधान करके हम एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं और उनमें सब में पार्टी अपना योगदान करे और पार्टी की जो भूमिका है वो सक्रिय हो, इस नाते से सारी चर्चा की गई। सर किसान आंदोलन को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर कुछ सुझाव दिए, कुछ फीडबैक दिया पदाधिकारियों ने? पंचायत चुनाव के बारे में सब लोगों ने कहा कि हाँ इस समय करा लेने चाहिए। जो 22 अगस्त को जैसे मैंने बताया उस पर सुनवाई है, 22 अगस्त को कोर्ट अगर उसका फैसला कर देता है तो उसके तुरंत बाद चुनाव कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आया है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से, और जैसा कि आप और आपकी पार्टी कहती रही कि राजनीति से प्रेरित लोग आंदोलन में, उन्होंने कहा कि पंजाब मिशन तैयार करना चाहिए, किसान नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए पंजाब विधानसभा। जो बात हम कहते हैं वही उन्होंने कही है, उसमें कौन सी दो बड़ी बात है? आखिर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि राजनीति है इसके पीछे, तो राजनीति से प्रेरित हो करके और वो इस अभियान को चलाए हुए हैं, इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी उनका सरोकार नहीं है और किसान तो आज भी इस नए कानून को अच्छा मानता है। आज इस विधायक दल की बैठक में भी कई विधायकों की ओर से विषय आया कि नए कानून यदि लागू होते हैं तो उसमें ये लाभ व्यापारियों को भी और किसानों को भी होने वाले हैं जिसकी किसान मांग कर रहे हैं। खास करके जैसे मंडी की मार्केट फीस है, मार्केट फीस बाहर जो सामान बिकता है आज पुराने कानून के हिसाब से तो उस पर भी मार्केट फीस लगेगी, लेकिन अगर नए कानून लागू होते हैं तो मंडी से बाहर कोई भी चीज़ बिक्री होती है उसका कोई पूछताछ नहीं होगी, उसका कोई फीस नहीं लगेगी। तो आज हमने फीस जो कम की थी पहले बासमती जैसे चावल के ऊपर, उसको दोबारा से हमको 4% इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कानून जो है ना लागू नहीं हुए। हम भी चाहते हैं नए कानून का ठीक से वो लोग समझें उसका क्या उसका उपयोग है और किस प्रकार से लाभकारी है, वो अगर समझेंगे और उसका नए कानून की तरफदारी करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को भी और व्यापारियों को भी सबको लाभ होगा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।